हे व्हाट्स अप। सो अभी मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि सर एफिलिएट मार्केटिंग पे लोग वीडियोस बनाते हैं, बट वो हमेशा पेड ट्रैफिक के बारे में बताते हैं और हम सीखना चाहते हैं फ्री ट्रैफिक से। राइट, फ्री ट्रैफिक से क्या अर्निंग हो सकती है या क्या मेथड है जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ? ठीक है, तो ऐसे मुझे कुछ ना कुछ डीएम्स आते रहते हैं, तो वही मैं अभी पढ़ रहा था। रात के बज रहे हैं, आई थिंक 1 बजने वाला है। करेक्ट, 1 बज चुका है। आई वॉन्ट टू शो यू दिस, 1 बज चुका है। लेट्स सी, यू कैन सी 1 बज चुका है। सो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बनाऊंगा वीडियो कि आप A to Z सीख लें कि कैसे फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है ऑर्गेनिकली। राइट, एंड जो लोग नए देख रहे होंगे वो लोगों को लग रहा होगा क्या मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या आप ऑर्गेनिक में सेल्स जनरेट कर सकते हो या कैसे ऑर्गेनिक में आप सेल्स जनरेट कर सकते हो। राइट, सो इसके लिए आपको मैं एक डेमो देना चाहूँगा और एक टेस्टिमोनियल बोल सकते हो आप उसको। सो लेट्स सी। हेलो गाइस, मैं बहुत टाइम से एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई कर रहा था और आज मुझे मेरे एफिलिएट मार्केटिंग की फर्स्ट सेल आ गई है, वो भी एप्पल 12 प्रो मैक्स की। तो ये सब हुआ ये है तोहित सर के यूट्यूब शॉर्ट रीचेस कोर्स की वजह से। तो सो गाइस, मेरा नाम रोहित है और रिसेंटली मैंने amazon.com से $10 की सेल जनरेट की है और ये सब कुछ हो पाया है YT शॉर्ट रीचेस कोर्स की वजह से। तो अभी आपने एक डेमो देखा, आप दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेरे स्टूडेंट है जिसने $237 कमाए और उसके बाद बहुत सारे और भी रिजल्ट्स हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है, आप पूरा आके देख लेना। इसके बाद $37 सिर्फ 2 दिन में इसने कमाया, वो भी सब ऑर्गेनिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5 दिन में इसने फर्स्ट सेल हासिल की है। उसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर $81 की सेल है, ठीक है, तो मतलब करीब 5 से 6 हज़ार रुपये 1 दिन में। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको सेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे और ये सारे जो सेल्स हैं गाइज, ये सारे ऑर्गेनिक हो रहे हैं। राइट, द बेस्ट थिंग। तो अब मैं आई थिंक आपको बता सकता हूं कि ऑर्गेनिक आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो। मैं आपको हर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बताऊंगा, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, लाइक फेसबुक हो गया, लाइक आपका यूट्यूब हो गया। राइट, आप सब पर कैसे एफिलिएट कर सकते हो फ्री फ्री। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपको जानना चाहिए कि आपको क्यों ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए या क्यों लोग करते हैं। राइट, ये सवाल बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, आई नो डैट, कि लोग पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग क्यों, जबकि हम लोग पेड ट्रैफिक में उससे फास्ट रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, तो लोग ऑर्गेनिक से क्यों स्टार्ट करते हैं। राइट, सो पहला जो जवाब है मेरा, देखो, हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग जब लोग करते हैं तो वो लोग ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। वाई? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स का रेंज है वो काफी ज्यादा होता है, काफी बड़ा होता है। राइट, वो $1,000 के प्रोडक्ट्स होते हैं, $500 के प्रोडक्ट्स होते हैं या उससे ऊपर के प्रोडक्ट्स होते हैं, 2,000-3,000 डॉलर के। तो ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जरूरी है किसी भी सेल को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी क्लोजिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम खेल रहे हैं हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग का, वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर ऑर्गेनिक करते हैं या एक काम करते हैं वो कि ट्रैफिक के लिए वो एड रन करते हैं, बट वहां से जो लोग आते हैं, जो ट्रैफिक आता है उसको वो लोग क्या करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं वैल्यू लैडर। राइट, आपने बहुत बार सुना होगा वैल्यू लैडर स्ट्रेटजी या वैल्यू लैडर सेल्स फनल। ठीक, फिर उसके बाद वो लोग सेल करते हैं। भाई दूसरी चीज कि ये जो लोग $100 $50 या $100 $200 $300 की जो सेल करते हैं वो लोग भी ऑर्गेनिक यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो लोग क्यों करते हैं? तो देखो, कोई भी नया बंदा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो या कोई भी, जब इस इंडस्ट्री में आता है, ठीक है, तो उसको फर्स्ट डे से एड्स रन करने नहीं आ जाता। राइट, उसके पास फर्स्ट डे से टीम नहीं होती, उसको स्किल्स नहीं आते हैं हाउ टू मेक लैंडिंग पेज, हाउ टू मेक एड्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज एड्स, हाउ टू क्रिएट एड्स, हाउ टू राइट एड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको फर्स्ट डे से नहीं आ पाएंगी। राइट, और सबसे बड़ी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड बजट। जब आपके पास बजट ही नहीं है सो आप कैसे कर पाओगे? राइट, नहीं कर पाओगे ना। आपके पास मान लो एक लिमिटेड बजट है, लाइक आपके पास 15,000 का बजट या 20,000 का बजट है। राइट, 20,000, 25,000, 50,000 या 30,000 आपको सिर्फ टेस्ट करने में चला जाएगा जब आप न्यू हो, एकदम न्यू हो, आपको नहीं पता एड्स कैसे रन होते हैं, ऑल द थिंग्स। राइट,
आपको नहीं पता कैसे एक एड लगा के आप उसको डबल में कन्वर्ट कर सकते हो, 2x रिजल्ट्स लेके आ सकते हो, राइट। जब आपको नहीं पता, तब आप जब टेस्टिंग में उतरते हो तो आप बहुत सारे पैसे गंवाते हो, राइट। हाँ, हो सकता है कई चांसेस में कि आपने 25,000 रुपए लगाया, आपकी 20,000 डूब गए, बट 5,000 जो है वो अच्छे से काम कर गया और 5,000 के आपने फिर 15,000 कर लिए और फिर उसको आपने 15,000 से लाइक 30,000 कर लिया या 30,000 से फिर से 0 पे आ गए, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्ले विद द एड्स, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपको पेड मार्केटिंग के साथ पहले शुरू नहीं करना चाहिए, आपको फ्री मार्केटिंग के साथ काम करनी चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स के साथ काम करना चाहिए, एंड उसके बाद जब आपको थोड़ा पैसा भी आपके पास आ जाए और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए मार्केट की, देन आपको पेड ट्रैफिक के साथ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं बहुत ही ज़्यादा उमंग से और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से आते हैं एंड वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं पेड ट्रैफिक के साथ और 2-4 दिन या 1 हफ्ता बोल दो या 10 दिन या 1 महीना बोल दो, उनके पूरे पैसे चले जाते हैं एंड देन लाइक डीमोटिवेटेड, पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। एंड फिर बोलते हैं नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत हार्ड है, ये है वो है, एंड बूम ओवर, राइट। तो क्यों होता है? क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, आपको पहले फ्री मार्केटिंग के साथ काम करना था, आपको चीजों को समझना था एंड देन पेड, राइट। सो आई होप आपका वाई क्लियर हो गया होगा कि आपको क्यों फ्री मार्केटिंग के साथ काम स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले। अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा हाउ टू डू विद द फ्री मार्केटिंग, राइट। सो लेट्स सी। तो जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा व्हाट इज नीश, राइट, बट न्यू लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीश का मतलब होता है एक सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लाइक मुझे पैसे बनाने में इंटरेस्ट है, मेक मनी ऑनलाइन, राइट। तो मैं लोगों को सिखाऊंगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करूंगा, राइट। अब मान लो आपको हेल्थ में इंटरेस्टेड है, आप फिटनेस में काफ़ी अच्छा मतलब आपका रोल है और आप फिटनेस बहुत लवर हो, फिटनेस लवर हो, तो उसमें आपका नीश क्या हो गया? फिटनेस। ऐसे ही करके बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और वही आपका नीश होता है, वही आपका नीश होता है। इसका मतलब ये है कि भाई जो आपका इंटरेस्ट है उसको अपना नीश बना लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज आप उस सब्जेक्ट के बारे में जानोगे तो जब आप उसको दूसरों को रेफर करोगे तो वो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि एक एफिलिएट मार्केटर का काम क्या होता है? दूसरों को उस चीज़ के बेनिफिट्स रेफर करना, तभी वो लोग उस चीज़ को एक्वायर करते हैं एंड आपको मिलती है आपकी सेल्स कमीशन, राइट। सो नीश आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम मेक मनी ऑनलाइन नीश लेके यहाँ पर चलेंगे एज अ उदाहरण, मतलब एज अ एग्जाम्पल, राइट। तो मेक मनी ऑनलाइन, इसको बोलते हैं MMO, मेक मनी ऑनलाइन। तो अब भाई आपने अपनी नीश सिलेक्ट कर ली है, तो अब लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, जैसे ही बात होती है एफिलिएट मार्केटिंग की और प्रोडक्ट की, तो लोगों का सबसे पहला और सबसे पसंदीदा जिसे कहते हैं लोग, वो होता है क्लिक बैंक। सर मुझे तो क्लिक बैंक में ही अकाउंट बनाना है, सर क्लिक बैंक में अकाउंट नहीं बन रहा है, सर अब मेरी एफिलिएट जर्नी खत्म हो चुकी है। गाइस गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को आज समझाना चाहता हूं और आप कान खोल के सुन लो और कहीं लिख सकते हो तो लिख लो, क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग का एक नेटवर्क है, जस्ट एक नेटवर्क है। क्या है? जस्ट एक नेटवर्क एंड नथिंग। बोलने का मतलब यह है कि क्लिक बैंक रहे या ना रहे, एफिलिएट मार्केटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स जो आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं एंड जिनसे आप अच्छा खासा कमीशन कलेक्ट कर सकते हो उनको मार्केट करके। तो जो लोगों के दिमाग में ये है कि क्लिक बैंक में आईडी बनाऊंगा या बनेगी तभी मैं एक एफिलिएट मार्केटर कहलाऊंगा या एक एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा गेम कर पाऊंगा, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक नेटवर्क है, जैसे डिजिस्टोर 24, JVZoo, वॉरियर प्लस, CJ, Amazon, ये सारे एक नेटवर्क है। एक नेटवर्क कभी खत्म होता है तो वो कई नेटवर्क आ जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो वो एक जस्ट अ नेटवर्क है, उसको नेटवर्क की तरह ही देखो।
तो अब आपको जो नेक्स्ट जरूरत पड़ती है, कुछ नेटवर्क्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं एफिलिएट नेटवर्क्स। क्या बोलते हैं? एफिलिएट नेटवर्क्स, ठीक है, एफिलिएट नेटवर्क्स। अब एफिलिएट नेटवर्क्स में जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, जिसमें आपका क्लिक बैंक आता है। क्लिक बैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, और ये बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और क्लिक बैंक की मार्केटिंग बहुत अच्छी रही है। शुरू में जितने भी एफिलिएट्स आते थे वो सिर्फ क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को ही सेल करना पसंद करते थे, क्योंकि रिलायबल था और प्लस एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे प्रोडक्ट उपलब्ध थे। एक ऐसा मात्र नेटवर्क था मार्केट में जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती थी, और सबसे बड़ी बात मार्केट में ट्रस्ट था क्लिक बैंक के ऊपर, इसलिए आज भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मिलियंस ऑफ वीडियोस इसके ऊपर आपको मिल जाएंगी ऑन यूट्यूब, राइट। इसके बाद जेवीजू जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। मेक मनी ऑनलाइन का भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि मेक मनी ऑनलाइन में आप सॉफ्टवेयर सेल करते हो, सॉफ्टवेयर इसका पार्ट है मेक मनी ऑनलाइन का, तो आपके लिए एक अच्छा नेटवर्क जेवीजू होगा भी होगा बोल सकते हैं, ठीक है। डिजिस्टो 24 में भी आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो वॉरियर प्लस भी काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑल इन वन की, जिसको बोलते हैं अमेजॉन, राइट, बट अमेजॉन में थोड़ा कमीशन कम रहता है, बट अगर आपके पास अच्छी ट्राफिक है, ज़्यादा ट्राफिक है, तो आप अमेजॉन के साथ जा सकते हो, राइट। तो ये कुछ नेटवर्क्स हैं एफिलिएट नेटवर्क्स। अब एफिलिएट नेटवर्क्स में होता ये है कि एफिलिएट नेटवर्क्स में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जस्ट उसमें से आपको आपके इंटरेस्ट का प्रोडक्ट चूज करना होता है एंड उसको ले जाके मार्केट करना होता है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब आपको नेटवर्क मिल गया, आपको आपका पसंदीदा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, मान लो आपने कोई सा भी नेटवर्क सिलेक्ट किया, या सारे नेटवर्क्स में आपकी आईडी होनी ही चाहिए अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो, राइट, क्योंकि आप कभी भी कोई सा भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, इट इज इन योर हैंड, यू आर अ एफिलिएट मार्केटर, आप इनके मोहताज नहीं हो, ये आपके मोहताज हैं, क्योंकि आप इनके नेटवर्क से प्रोडक्ट्स को उठा के सेल कर रहे हो, तो इनको भी फायदा हो रहा है, राइट। तो डोंट डिपेंड ऑन द नेटवर्क। वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत ही, एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक बहुत ही अच्छा खासा लाइन है ना, बोलते हैं कि वो कभी भी अपने कंपनी से प्यार मत करो, अपने जॉब से प्यार करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको कंपनी लात मार के निकाल दे। तो हमेशा अपने जॉब से प्यार करो, मतलब आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो आप अपने गेम से प्यार करो, अपने स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क से प्यार करो, अपने एफिलिएट मार्केटिंग का जो स्किल है उसको बढ़ाओ, ना कि इन नेटवर्क से प्यार करो। अंडरस्टैंड, ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बार बार क्लिक बैंक करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट में और भी जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं ऑन एफिलिएट मार्केटिंग, इस चीज़ को क्लियर करें। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ क्लियर करें। अब इसके बाद गाइस, जब आपका प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हो कोई सा भी, और एक और सजेशन देना चाहूँगा, जितने भी न्यूबीज हैं वो मार्केट में अगर आ रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट किए हैं, या वो भी जो एक साल दो साल या तीन साल से ट्राई कर रहे हैं और वो अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने आप को अब न्यूबी नहीं मानते, हालांकि वो न्यूबी ही हैं लेकिन नहीं मानते, वो लोगों को भी एक सजेशन है कि वो अगर मार्केट में आ रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट को शुरू में प्रमोट करें और उसमें जान वान सब लगा दें, अपना दिन रात सब लगा दें, खाना पीना सब छोड़ो और दिमाग लगाओ कि वो सेल कैसे होगा, उसके बेनिफिट्स काउंट करो, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करो, और जहाँ आपको लग रहा है जो आपका पावर पॉइंट है जिससे वो प्रोडक्ट सेल होगा, उस चीज़ को हाईलाइट करके सेल लाओ सबसे पहले। देखो, सेल इज लाइक मैं कैसे बोलूँ, थोड़ा सा गलत वर्ड है, बट चलो मैं थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं उसको इसकी जगह चेंज करता हूँ इस वर्ड की, और मैं कहूँगा सेल इज लाइक एक्सरसाइज, राइट, ऐसे ही कुछ वर्ड था जिसको मैं आपको ऐड करके बताना चाहता था। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सेल लाइक आप समझ जाओ उसके जैसा है, कि सेल को प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। आप बुक से फ्रेमवर्क सीख सकते हो, कोर्स से फ्रेमवर्क सीख सकते हो, स्ट्रेटजी सीख सकते हो, बट सेल्स इज लाइक
पुशअप्स, आपको पुशअप्स करना है, एक्सरसाइज करनी है, राइट। एक्सरसाइज के बारे में आप पढ़ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ये सब आइडिया ले सकते हो कि ऐसे करूंगा तो चेस्ट पे आएगा या ऐसा मारूंगा तो ट्राइसेप्स पे आएगा, राइट। बट उसको क्या करना पड़ेगा, करके प्रैक्टिकल करके सीखना पड़ेगा। वैसे ही सेल्स है, राइट। सेल्स को आपको प्रैक्टिकल करके सीखना पड़ता है। आपको 10, 20, 50, 100 सेल लेके आना है, तब आपको और एक्सपीरियंस जनरेट होगा। या आपका फर्स्ट सेल लेके आना है जिससे आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने ये किया तो मुझे को सेल मिला। फिर आप उस चीज़ को रिपीट करते हो, फिर आप सेकेंड टाइम में देखोगे अरे इससे और जल्दी सेल आता है, फिर आप उसको थर्ड टाइम में करोगे, राइट। इसीलिए बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। देखो मैं उन गुरुज में से नहीं हूँ जो आपको लाइक अच्छी बातें बताऊँ कि आप मेरा कोर्स लो या आप कुछ ऐसा करो जिससे मुझे बेनिफिट हो, राइट। मैं उन गुरुज में से नहीं हूँ, सो कॉल्ड गुरुज। आई ऑलवेज से रियलिटी, राइट। जो रियलिटी है वो है, जैसे मैं यहाँ तक आया हूँ, जैसे मैं ये सारी चीज़ सिखाऊँ, वैसे मैं चीज़ें बताता हूँ, रॉ बताता हूँ पूरी, ताकि आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ में आए। बहुत सारे लोग हो सकता है इससे ऑफेंस हो जाते होंगे कि बोलते होंगे कि भाई अलग जो गुरुज है, अलग जो यूट्यूबर्स हैं, वो तो ऐसा बताते हैं वैसा बताते हैं कि सेल ऐसा आ जाएगी वैसा आ जाएगी, मेरे पास आ जाओ मैं आपको ऐसा जादू करके दे दूंगा तो सेल आ जाएगी, ऐसा सिखा दूंगा कि सेल आ जाएगी। ना बाबा ना, ये सब मार्केटिंग गेम है। Try to understand, always try to understand कि sales का process क्या है, लेकिन करना आपको ही है। किसी भी course से यही बस समझो, process क्या है, लेकिन जब आप उसको करोगे practical, तब आपको actual चीज समझ में आएगी कि ये ऐसे हुआ। अंडरस्टैंड, मेरे भी कोर्सेज जो भी हैं मैं उसमें स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क्स देता हूँ, राइट। बट करना आपको होता है। लाइक मान लो मैं कॉलेज में हूँ और मुझे मेरे टीचर्स आके पढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज देते हैं, राइट। उनके पास बहुत नॉलेज है, वो मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हैं नॉलेज, बट अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ तो वो नॉलेज क्या है, ज़ीरो है। मतलब ये कि उनके हाथ में सिर्फ क्या है कि वो नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकें, बट रिजल्ट्स और विन विन किसके हाथ में है, स्टूडेंट के हाथ में। वैसे ही कोई भी बंदा अगर किसी कोर्स में ज्वाइन होता है तो वो सिर्फ एक नॉलेज फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी को कंज्यूम करने जा रहा है, राइट। बट रिजल्ट्स किसके हाथ में, उसके हाथ में। जब वो परफॉर्म करेगा, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेगा, तब रिजल्ट आएगा। यही अच्छी चीज़ें मैं हमेशा सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को, तभी वो इतना जल्दी रिजल्ट लेके आ पाते हैं। ऐसे ही सपोर्ट देता हूँ, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगा, बट यही रियलिटी है मार्केट की गाइस। ऐसे ही मार्केट काम करता है, रॉ चीज़ें सीखो, एक्चुअल चीज़ें सीखो, ठीक है। तो अब मान लो आपने एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है भाई, सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के वेंडर के बारे में जानो कि इस प्रोडक्ट का वेंडर कौन है, सपोर्टिव है या नहीं है। क्योंकि याद रखो यार, एक प्रोडक्ट बिकता इसीलिए है क्योंकि उसका वेंडर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। क्या रहता है, फोकस्ड रहता है। वो टाइम टाइम पे प्रोडक्ट्स को अपडेट करता है और ज़्यादा ऑथेंटिक बनाता है, और लोगों को उससे बेनिफिट होता रहे ये भी आपको श्योर कराता है। तो उसके पीछे वेंडर कौन है उस चीज़ को जानो, ठीक है। प्रोडक्ट पूरा सिलेक्ट करने के बाद जब आप देख लिए कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे इंटरेस्ट बेस में है, अब प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ों में नहीं जाऊंगा मैं, तो और बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, बट आपको ऊपर ऊपर बताऊंगा, ठीक है। तो आपने जब प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो अब वेंडर को जानो कि वेंडर कौन है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि क्या क्या आपको उसके बारे में जानना है। उसके बाद आप वेंडर से पूछो भाई कि सर आप मुझे क्या क्या सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। वो आपको बताएगा कि मैं आपको ईमेल्स दे दूंगा, आप लोगों को फॉलो अप देना, और जो भी और कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ऐड करना हो, कुछ आपको एड्स देना हो जो ऑलरेडी बने होते हैं, जैसे कि मैं अपने एफिलेट्स को YT शॉर्ट्स रिचेस के जो एफिलेट्स हैं उनको एड्स देता हूँ, राइट। टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहता हूँ, व्हाट्सअप सपोर्ट देता हूँ, एंड उन्हें वो सारी चीज़ें बताता हूँ कि हाउ टू गेट द सेल्स। देन वो जाके परफॉर्म करते हैं एंड सीखते हैं कि ऐसे सेल्स आती है, राइट। एंड बिग शाउट आउट जो लोगों ने लास्ट ऑफर में 10, 20, 50 सेल तक हासिल किया है, उनके जो बोनसेस हैं उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड गाइस नाउ बैक टू द पॉइंट। तो अब यहां पर आपको वेंडर के बारे में जान लेना है। नेक्स्ट आपको करना यह है कि ये प्रोडक्ट क्या लोग सेल कर रहे हैं,
ऑनलाइन विथ पेड एड्स, ये आपको जानना है। ये कैसे जानोगे? जस्ट आपको क्या करना है, आपको आके गूगल में टाइप कर देना, ठीक है। अब गूगल में जब आप टाइप करोगे तो आपको क्या होगा ना, एड्स दिखेंगे, ठीक है। अब बोलोगे आप, भाई जब मैं गूगल में टाइप करूंगा इंडिया में, तो इंडिया में अगर एड चल नहीं रहा होगा तो एड्स कैसे दिखेंगे? तो अब मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे दिखेंगे। तो अब देखो, ये जो वेबसाइट है आई सर्च फ्रॉम, ठीक है, यहां पर आ जाना, ठीक है, और कंट्री डाल देना, ओके, जो भी कंट्री में आप सर्च करना चाहते हो, यूएस में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में डाल देना, लैंग्वेज डाल देना और डिवाइस डाल देना, और यहां पर सर्च करना, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप यहां पर सर्च करोगे वो दिखाएगा उस कंट्री में उसके एड चल रहे हैं या नहीं चल रहे, जो टॉप पे आएंगे उसमें लिखा रहेगा एडी करके, तो वहां पर एड चल रहे हैं उस प्रोडक्ट के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है। तो अब आपने भाई रिसर्च कर ली कि हाँ भाई लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, कोई डोमेस्टिक कोर्स सेल कर रहे हो इंडिया में, तो आप देखोगे कि भाई वो वेंडर आपको बता देगा कि भाई मैं इसका बैकअप एड चला रहा हूँ। जैसे मैं अपने एफिलिएट्स को बताता हूँ कि मेरे एड्स डेली चल रहे हैं, और आप लोग भी देखते होंगे यूट्यूब पे चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो एड्स चलेंगे उससे ये होगा कि उस प्रोडक्ट का जो अवेयरनेस है वो ऑलरेडी उस ऑडियंस को है जिस ऑडियंस को आप टारगेट करने वाले हो, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी जल्दी सेल लेके आने में, ठीक है। और इसके बाद दो चार चीजें और हैं जो आपको जाननी रहती हैं टू स्टार्ट दिस गेम, राइट। अब आपने ये सारी चीजें कंप्लीट पता कर ली, भाई ऐसे ऐसे काम कर रही है, ओके। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है गाइस, वो ये आता है कि भाई आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, आपको लैंडिंग पेज भी बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत सारे केसेस में आप बना सकते हो, बहुत सारे केसेस में नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर आप बोलते हो लैंडिंग पेज, लेकिन बनाने के लिए अपना खुद का रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप एकदम न्यू हो एंड यू डोंट नो अबाउट द लैंडिंग पेज, व्हाट इज लैंडिंग पेज, यू डोंट नो, तो आप सीधा वेंडर के लैंडिंग पेज से स्टार्ट कर दो। जो आपको लैंडिंग पेज मिला है उसी के लैंडिंग पेज से स्टार्ट कर दो, राइट। बट हाँ, एक ध्यान रखना कि कुछ सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हैं, सोशल मीडिया के रूल्स आप बोल सकते हैं, कि आप डायरेक्ट एफिलिएट प्रोडक्ट्स वहाँ प्रमोट नहीं कर सकते। और कुछ वेंडर्स के भी रूल होते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट प्रमोट मत करो, आप अपना लैंडिंग पेज लगाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, तो वहाँ पर लिखा रहता है साफ साफ, ठीक है। अब मान लो आपने भाई प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और आपके पास प्रोडक्ट है, तो नेक्स्ट जो चीज़ होता है वो होता है ट्रैफिक, ठीक है। एक बिजनेस के पास अगर ट्रैफिक नहीं है तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम और किंग आप बोल सकते हो वो क्या है, ट्रैफिक है, ठीक है, किंग। और यही ट्रैफिक में आता है पेड और ऑर्गेनिक। तो पेड की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, पेड में आपका वही गूगल एड्स आ जाएगा, फेसबुक एड आ जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, ठीक है। तो आज हम फ्री मेथड से सीखेंगे कि कैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं विद फ्री मेथड प्रॉपर। तो हमने भाई नीश सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, नेटवर्क्स के बारे में जाने, प्रोडक्ट लेके आ गया, प्रोडक्ट के बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या देखना होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रैफिक, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। बट इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कोई कोर्स प्रमोट करते हो, ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्या बोलते हैं उन्हें, प्रोग्राम्स आ गए हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, ठीक है, उनको एक नेटवर्क भी आप बोल सकते हो, प्रोग्राम्स आ गए हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। एंड वो प्रोग्राम आपको बोलते हैं कि भाई आप हमारे साथ ज्वाइन हो, ठीक है, और आप इस चीज़ को सेल करो, ठीक है। बट वो कोर्सेस नहीं होते, वो प्रोग्राम्स होते हैं एफिलिएट के, ठीक। एंड उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज भी हैं इंडिया में, लाइक मेरा भी कोर्स है, उसका भी मैंने एफिलिएट निकाल रखा है, ठीक है। तो लोग उससे 600 6000 या 60000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, राइट। तो कोर्सेस में और प्रोग्राम्स में, ठीक है, एक बहुत अच्छा और बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जो कोर्सेस हैं वो उसको आप इजी सेल कर सकते हो, और जो प्रोग्राम्स हैं उसको आप इजी सेल नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये,
जो प्रोग्राम्स होते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स, जिनमें लोग आपको कहते हैं कि भाई आप इतना पैसा देके ज्वाइन करो और इसी को सेल करके आप अर्निंग करना, और इसमें आप कुछ अलग अलग टेक्निक सीखोगे, तो वो एफिलिएट प्रोग्राम हुआ। और एफिलिएट कोर्स क्या हुआ, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सीख रहे हो और उसका ही एफिलिएट करके अर्निंग कर रहे हो। सीखना यहाँ पर मेन उद्देश्य है और यहाँ पर उसी चीज़ को सेल करना मेन उद्देश्य है, समझ रहे हो। तो अब होता ये है कि ये जो प्रोग्राम्स है ना, इनके एड्स कहीं नहीं चलते हैं। इनके जो लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं प्रोग्राम्स में, ठीक है, वही सबसे बड़े मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स होते हैं, लाइक एमएलएम, राइट। एमएलएम के सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स जो जुड़े होते हैं नेटवर्कर्स, वही होते हैं। और यहाँ कोर्सेस में ये जो बंदा है जिसका कोर्स है, ठीक है, वो बैकअप सपोर्ट आपको देता है विथ देयर एड्स, राइट, विथ देयर एड्स, ऑथेंटिसिटी और जो ट्रस्ट है उसका मार्केट में, उसको लेकर, उस बंदे को लाखों लोग जानते हैं, ठीक है, तो वो बंदे को लाखों लोग देख रहे हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर है लोगों में उस बंदे का, बार बार लोग देख रहे हैं उसके, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देख रहे हैं, उसका नॉलेज देख रहे हैं किस लेवल पे है, राइट। तो यहाँ पर आपको उसका बैकअप मिलता है, उसकी ऑथेंटिसिटी मार्केट में, राइट, लोग उसको जानते हैं, तो ये चीज़ जल्दी सेल होती है, बट यहाँ पर आपको पूरा काम करना रहता है, ठीक। तो जब भी आप ये चीज़ को करो तो ये चीज़ ध्यान में रखना और आप ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इंडिया में। जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो काफ़ी पैसा कमाने वाले हैं इन सारी चीज़ों में काम करके, 101% बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं आने वाले समय में। तो अब हम लोग भाई किंग की बात कर रहे थे, और किंग होता है किसी भी बिजनेस का ट्राफिक। तो यहाँ पर हम लोग ट्राफिक को ऑर्गेनिक करने वाले हैं, पेड नहीं करने वाले हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब ऑर्गेनिक के लिए आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है इंस्टाग्राम, ठीक है, दूसरा है YT, ठीक है, तीसरा है आपका फेसबुक, चौथा है आपका लिंक्डइन, पांचवा है आपका ट्विटर, छठवा है आपका ब्लॉग, सातवां है आपका पिंट्रेस्ट, ठीक है, और इसके बाद आठवां है ब्लॉग का कमेंट सेक्शन, ठीक है, ब्लॉग का कमेंट सेक्शन। उसके बाद अगर मैं देखूं एक और है जिसको बोलते हैं क्योरा, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, एक एक लाइन में बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, एक एक लाइन में बताऊंगा, आप बोर ना हो इसलिए मैं डीप नहीं जाऊंगा, बट आपको नॉलेज बहुत तगड़ी दूंगा, ठीक है। देखो इंस्टाग्राम इस समय हाईली एक्टिव है, ठीक है, हाईली एक्टिव, बट रीच जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कहा जाता है कि इंस्टाग्राम पे इस समय जो रिसर्च मैंने की है, जिस रिसर्च से मुझे पता चला है, वो ये पता चला है कि इंस्टाग्राम पे अभी के समय में ऑलमोस्ट लाइक अगर 100 एफिलिएट मार्केटर्स वर्क कर रहे हैं, हम इसे 100% में ले लेते हैं, ऑर्गेनिकली जो काम कर रहे हैं, तो उसमें से 40% से 45% कहते हैं कि इंस्टाग्राम बेस्ट है, ठीक है। आप इसको रिसर्च भी कर सकते हो गूगल में, मैं अपने रिसर्च से बता रहा हूँ, गूगल से ही किया मैंने भी। 45 से 50% कहते हैं कि भाई इंस्टाग्राम बेस्ट है टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। मैं ये काम करता हूँ, वीडियो हटा देता हूँ अपना, कि आप फोकस कर पाओ बोर्ड पे, ठीक है, एंड मेरी आवाज़ को सही से समझ पाओ और सुनो, ठीक। तो मैं इसको हटा देता हूँ वीडियो। सो गाइस, ये मेरी रिसर्च है, ठीक है, आप भी ये रिसर्च कर सकते हो गूगल में जाके, एक्यूरेट है मेरी रिसर्च, मैं ये आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो भाई 100 में से 45 से 50 एफिलिएट बोलते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे एफिलिएट करना और इजी टू सेल है, क्योंकि वहां पर अच्छी ऑडियंस आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्टाग्राम का कहानी। यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब, इसमें दो चीज़ें हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो और शॉर्ट फॉर्म वीडियो, एंड दोनों ही काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं, बट इस समय जो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है वह है यूट्यूब शॉर्ट्स। इसके बारे में ही मेरा कोर्स है जिसका नाम है YT शॉर्ट्स रिचेस, अगर आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो YT शॉर्ट्स, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। और दूसरा जो पहला है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो अभी आप देख रहे हो वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, ओके। एंड उसके बाद है भाई FB, ठीक है। तो FB में जो पुराने मार्केटर्स हैं, ठीक है, जो एफिलिएट कर रहे हैं,
वो और जो न्यू आते हैं वो, ठीक है, जो न्यू आए जिनको 6 महीने हो गए या 1 साल हो गए, उनसे एक सर्वे किया गया है जो आपको अलग अलग ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगा जब आप गूगल करोगे तो। लोग काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं और आप क्या बोलते हैं, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए फेसबुक ग्रुप्स को। किसको? फेसबुक ग्रुप्स को। लोग कहते हैं कि फेसबुक ग्रुप्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं और यहां पर इजी टू सेल है। बट यहां एक लाइन मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, 2017 में जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनिक पूरी तरह कर रहा था, ठीक है, पूरी तरह, मुझे भी एड्स उतने अच्छे नहीं आते थे, तो पूरी तरह मैं भी डिपेंड था और मैं भी इस चीज के सपोर्ट में था और हूं भी, ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं इस समय बट था पूरा, कि एफबी ग्रुप्स जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टू गेट फास्ट सेल्स इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और सॉरी होते थे मेरे हिसाब से, राइट। और अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है ऑन एफबी ग्रुप्स, राइट। तो भाई ऑलमोस्ट अगर आप पुराने मार्केटर से पूछोगे तो सारे के सारे तो नहीं बट 70% जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते थे उनमें 70% बोलेंगे कि भाई एबी ग्रुप इज द बेस्ट, 70%, राइट, जो मैंने डाटा देखा है। और अगर आप अभी के समय में पूछोगे तो अभी स्पैमर्स बहुत ज्यादा है और फेसबुक ने अलग अलग एल्गोरिथम चेंजेस किए हैं जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक ग्रुप में एफिलिएट मार्केटिंग करने में। बट अभी भी जो हाई टिकट एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो फेसबुक ग्रुप और फेसबुक प्रोफाइल का काफी अच्छे यूज कर रहे हैं, बट जो लो टिकट है लाइक $50 या $100 या $200 या $250, वो थोड़ा सा मुश्किल है आजकल एफिलिएट करना ऑन फेसबुक ग्रुप्स, राइट। तो आज का मैं आपको एस्टिमेट तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या है कैसा है, बट ये है कि थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्टीज हासिल कर रखे हो कि कैसे ऑर्गेनिक में स्ट्रेटजीज बना के फ्रेमवर्क करके एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, तो आज भी आप एफबी ग्रुप्स के साथ अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है लिंक्डइन। लिंक्डइन उतना ज्यादा मैं प्रीफर नहीं करता बट करने वाले काफी अच्छा सेल यहां पर भी लाते हैं, ठीक है। ज्यादातर लिंक्डइन जो है वो इन चीजों के लिए नहीं है, ठीक है, ये फ्रीलांसर्स के लिए काफी अच्छा है, डिजिटल मार्केटर्स के लिए काफी अच्छा है, बट एफिलिएट मार्केटर्स के लिए मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लॉग्स की। ब्लॉग्स को रैंक कराना बहुत मुश्किल है आज के समय में, बट ब्लॉग से आप एक सपोर्ट ले सकते हो कि आप जो भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो उनका blogger.com जो गूगल का ही एक प्रोडक्ट है वहां जाके ब्लॉग लिख दो, ताकि आपको एक सपोर्ट रहे कि कभी कोई सर्च करे और आपका ब्लॉग रैंक करने लग जाए। कोई नहीं जानता कि कब आपका ब्लॉग रैंक करने लग जाए, तो ब्लॉग को आप एक सपोर्टिव लेके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पिंटरेस्ट की। तो पिंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, आज भी अच्छा है, लेकिन इसमें भी आपको एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर भी अलग अलग बड़े बड़े उस्ताद लोग बैठे हैं जो पिंटरेस्ट पे इस समय काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और वो मान लो पिंटरेस्ट पे बादशाह है, राइट। तो ये लोग बहुत पुराने मार्केटर्स हैं जो आज भी अच्छा कर रहे हैं पिंटरेस्ट पे, ठीक। तो मैं न्यूबीज के लिए नो कहूँगा पिंटरेस्ट भी। और यहाँ पर एक छूट गया ट्विटर। ट्विटर जो है उसका भी मैं बोलूंगा कि ये भी काफी अच्छा सोर्स नहीं है एज अ लिंक्डइन, ठीक है, फॉर एफिलिएट मार्केटर्स। उसके बाद अगर हम नीचे चले तो ब्लॉग कमेंट्स, मैंने इसलिए कहा आप देखते हो कि बड़े बड़े ब्लॉग्स में कमेंट करने का ऑप्शन रहता है, तो वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं, कमेंट करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो अपना प्रोडक्ट लेके। बट ये जो चीज़ है ब्लॉग कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग ब्लॉग पे जाके रिसर्च करनी रहती है एंड वहाँ से लोगों को उठाना रहता है। लोग टारगेटेड रहते हैं बट बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसके साथ हाँ भी है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना आता है और आप ज़्यादा फोकस्ड हो, इधर उधर भटकोगे नहीं, तो आप ब्लॉग कमेंट्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके भाई पूरे सोर्स, और सॉरी यहाँ पर क्योरा बचा है, ठीक है। तो क्योरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके जान सकते हो कि भाई
क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर अपना सॉल्यूशन और अपने प्रोडक्ट का लिंक पिच कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा एक्सपर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर कॉपी राइटिंग का गेम आ जाता है और लोगों को कैसे पिच करना है, तो यहाँ पर एक बड़ी स्किल सीखने का गेम आ जाता है। ठीक है, तो ये भी मैं बोलूँगा न्यूबीज के लिए तो नहीं है। ठीक, तो अगर आप एक न्यूबी हो तो मैं आपको तीन प्लेटफॉर्म ही सजेस्ट करना चाहूँगा, और वो तीन टॉप प्लेटफॉर्म यही है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, और फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी तीन छोटी छोटी माइक्रो प्लेटफॉर्म्स जिनको बोलते हैं वो है। ठीक है, तो हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम में आपको सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स क्यों और कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब में मैं सिलेक्ट करूंगा आपके लिए यूट्यूब शॉर्ट्स, जो अभी बेस्ट है, बेस्ट एम बेस्ट बोलो इसको, यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, बेटा वर्जन में अभी बहुत सारी चीजें इसमें आना बाकी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फेसबुक ग्रुप्स। ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स की, YouTube Shorts why? ठीक, तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, YouTube Shorts जो है अभी भी बेटा वर्जन में, अभी भी इसके पूरी चीजें लॉन्च नहीं की गई हैं, पूरे फीचर्स लॉन्च नहीं किए गए। अभी हाल ही में YouTube ने एक वीडियो लॉन्च किया और उसमें कहा कि YouTube में YouTube मोनेटाइज करने का भी सिस्टम आएगा और सुपर चैट का भी सिस्टम आएगा। सुपर चैट क्या होता है कि कोई भी आपकी वीडियो देखे और वह आपको वीडियो देखकर खुश होकर पे कर सकता है कुछ अमाउंट आपके चैनल को सपोर्ट करने के लिए और आपकी वीडियोज़ को सपोर्ट करने के लिए, आपकी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और शॉर्ट्स फंड के बारे में आपने ऑलरेडी सुना ही होगा, तो शॉर्ट्स फंड हो गए और मोनेटाइज करने का शायद इसमें एड्स आ जाए, तो वो एक आपका मोनेटाइजेशन हो गया। और थर्ड आपका जो मैंने कहा कि सुपर चैट्स इसमें आने वाले हैं, ठीक है, इसी साल आ जाएंगे, हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो यूट्यूब के ऑफिशियल और पेज पे जाके ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब ने अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक, तो ये तीन मोनेटाइजेशन मतलब पैसा कमाने के तरीके तो आपको यूट्यूब ही दे दिया ऑलरेडी, राइट, शॉर्ट्स पे। इसके बाद यहाँ पर अभी भर भर के आपको टारगेटेड और एक्टिव ऑडियंस मिल रही है भर भर के, राइट, फ्री में आपको व्यूज मिल रहे हैं और काफी अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं, हालांकि अभी ये बेटा वर्जन में है। अब टारगेटेड ऑडियंस मैंने इसलिए कहा, अगर आप भाई यूट्यूब पे जाते हो तो आप कुछ वहां सीखने जाते हो, राइट, या तो एंटरटेनमेंट के लिए भी जाओगे तो आप वहां फुल वीडियोज के लिए जाते हो, सीखने जाते हो, राइट, कि आपको अच्छी वीडियोज मिले। और अगर आप एक सिर्फ इंफोटेनमेंट वाले पर्सन हो, ठीक है, इंफोटेनमेंट मतलब सीखने वाले पर्सन हो, तो आप यूट्यूब पे सिर्फ सीखने के उद्देश्य से ही जाते हो, मतलब आपका जो टारगेट ऑडियंस है भाई वो सीखने के उद्देश्य से यूट्यूब पे आया है, समझ रहे हो बात को। यहां पर जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो नॉलेज लेने वाली ऑडियंस मिलेगी, तो इजी टू सेल और इजी टू रेफर है। ठीक है, और तीसरी चौथी एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप YouTube Shorts के साथ फिलहाल अभी इजी एफिलेट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, राइट, तो कंपटीशन भी जो है वो बिल्कुल लो है, क्या है, लो है। इसके बाद भी और बहुत सारी चीजें हैं जो YouTube Shorts को ऑथेंटिक बनाती हैं, और वो ये चीजें हैं कि यहां पर आप अलग अलग तरीके से भी मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हो, प्लस एफिलिएट करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। और यूट्यूब में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि अगर आप रील्स पे बनाओ या एफबी ग्रुप्स में अपना कंटेंट डालो, रील्स पे डालो, तो इसके एल्गोरिथम जो है वो कुछ ही दिन परफॉर्म करते हैं, मतलब अगर यहाँ पर आप एक रील डालो तो वो आप 10 दिन या एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेगा, पर उसके बाद क्या, उसके बाद आपका रील्स का जो गेम है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। बट यूट्यूब में क्या होता है, अगर आप एक साल पहले भी वीडियो डाले हो या 2 साल पहले भी वीडियो डाले हो, तो वो जो वीडियो है अगर वो रैंक कर रही है, उसके हेडलाइन अच्छे हैं, आपने अच्छे से उसमें हैशटैग्स यूज किया है, हैशटैग यूज किया है, टैग्स यूज किया है, और उसका हेडलाइन जो होता है वो अच्छे से लिखा है, तो कोई भी बायर या कोई भी प्रोस्पेक्ट या ऑडियंस ही कह लो, ट्रैफिक ही कह लो, वो अगर सर्च करता है उस बारे में, तो आपकी वीडियो जो है वो ऊपर में रैंक करेगी,
राइट, क्या करेगी, रैंक करेगी 2 साल बाद भी, 1 साल बाद भी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो शॉर्ट्स यहाँ पर डाला वो आपके लिए लाइफ टाइम छप चुका है यूट्यूब में, और उसके नीचे अगर आपने एफिलिएट लिंक अपना दिया है, अपनी स्ट्रेटजी डाली है वहाँ पर, अपना फ्रेमवर्क किया हुआ है, तो आपका वो जो शॉर्ट्स है वो आपको पैसिव इनकम ला के देगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं भाई शॉर्ट्स के। अब हम लोग बात करेंगे भाई रील्स का, ठीक है। देखो आज के समय में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत टफ है, बट रील्स अभी भी काफी अच्छा खासा परफॉर्म दे रहे हैं, रील्स कभी भी वायरल हो जाते हैं। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बात की एल्गोरिथम का, तो यस रील्स ज़्यादा समय तक एक्टिव नहीं रहते हैं, अलाइव नहीं रहते हैं, वो थोड़े दिन बाद धीरे 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 परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका परफॉर्मिंग पीरियड होता है वो 1 महीना ही होता है। मतलब ये कि रील्स पे आपको कंटिन्यू कंटेंट क्रिएट करते रहना है अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, रुकना आपको नहीं है। यहाँ बोल सकते हो भाई रुकना मना है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको रुकना मना है, बट मैं स्टिल आपको कहूँगा कि रील्स एक बहुत ही अच्छा वे है टू गेट फ्री ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायरलिटी मिल जाती है, कभी कभी अचानक से बूस्ट हो जाता है आपका रील्स और मिलियंस ऑफ पीपल आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर जाते हैं, और उसमें से कई ऐसे लोग रहते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स पे विजिट कर जाते हैं और आपको सेल आ जाती है। लोग हाईली एक्टिव हैं स्टिल ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बिजनेस के तौर पे देखा जाता है। अभी आपको जितने भी प्रोफाइल्स मिलेंगे, अगर आप एक एजुटेनमेंट पर्सन हो जिसको सीखना पसंद है, तो अगर वो उस प्रोफाइल्स पे जाओ आप और उस प्रोफाइल्स को देखो जो एजुकेशन वाले प्रोफाइल्स हैं, तो आप देखोगे 99 प्रोफाइल्स बिजनेस कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, राइट। तो इंस्टाग्राम को भी मैं ओके बोलूँगा, और इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम रील्स को ओके बोलूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स के रील्स बनाओ, वहाँ पर कभी भी कोई भी आपका रील वायरल हो सकता है, एंड मिलियंस ऑफ पीपल आपके वेबसाइट पे, आपके प्रोफाइल पे विजिट करके आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं और आप लाखों रुपए कमा सकते हो। उसके बाद फेसबुक ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो गाइस फेसबुक ग्रुप भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा है ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। और यहाँ पर होता यह है कि आपको यहाँ पर एक कम्युनिटी मिल जाती है। कम्युनिटी मीन्स क्या, ठीक है, मान लो आप एक एफिलिएट मार्केटर हो और आप मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, तो आपने सर्च किया मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो अब आपने जब मेक मनी ऑनलाइन सर्च किया, तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। अब ये जो मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, अगर आप इनमें जाओगे तो आप देखोगे हर बंदा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो रिलेटेड है ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस से। तो ये जो सारे लोग हैं इन ग्रुप्स में, वो क्या है, वो एक साथ मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। इसीलिए ग्रुप्स में ईजी टू सेल होता है, क्योंकि हर बंदा जो इस ग्रुप में ज्वाइन है ऑलमोस्ट वो एक माइंडसेट से इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ है, और उसके पीछे जो बेस है वो है ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है। तो यहाँ पर इजी टू सेल होता है, अगर आपके पोस्ट अच्छे हैं, आप अच्छे अच्छे पोस्ट बनाना जानते हो, लिखना जानते हो अच्छे से कि कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है लिखकर, किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाता है लिखकर, तो आपको इजी टू सेल यहाँ पर होगा, इजी टू सेल मिलेगा, ठीक है, इजी सेल मिलेगा। बट यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक बंदा बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो एल्गोरिथम है वो भी बहुत ज़्यादा आजकल परेशान कर रहे हैं फेसबुक के। तो आपको 24 आवर्स में ऑलमोस्ट मान के चलो 2-3 घंटा यहाँ पर भी इंगेज रहना पड़ता है ग्रुप्स में, तब आपको थोड़ा सा बोलूँगा कि हाइप मिलता है, जिससे लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं ग्रुप में, और उसके बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हो तो लोग उसको खरीदते हैं। कहा जाता है कि फेसबुक ग्रुप में आज के समय में 100 लोग अगर उस ग्रुप में हैं, तो आपका पोस्ट सिर्फ 10 लोगों तक ही पहुंचता है। 10 में से भी सिर्फ 1 या 2 लोग उस पोस्ट पे रिएक्ट करते हैं। तो ये जो रिसर्च है वो भी मैंने गूगल से की है, ये भी आप करके देख सकते हो, और कई ऐसे ब्लॉग्स में और वेबसाइट्स में मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था कि भाई अगर आप फेसबुक में काम कर रहे हो तो 100 में से सिर्फ आपको 5 लोग या 4 लोग
ही देखेंगे, मतलब आपके पोस्ट को देखेंगे, और उसमें से भी एक या दो इक्का दुक्का लोग अगर कमेंट कर दिए, मतलब आपके साथ क्या बोलते हैं इंगेज किए, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये स्थिति है फेसबुक ग्रुप की। बट स्टिल मैं आपको कहूँगा कि फेसबुक ग्रुप अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिक वेज हो गए जहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो अभी के लिए, राइट। बेस्ट ये है YT शॉर्ट्स और रील्स, ठीक है, जहाँ से आप अचानक सडन और एक ही दिन में लाखों की सेल कर सकते हो। अगर हम एक एस्टिमेट निकालें, तो अगर मान लो आप रील्स पे और शॉर्ट्स पे वीडियोस बना रहे हो, अपना कंटेंट डाल रहे हो। अब कंटेंट कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे डालते हैं, ये मैंने सब अपने YT शॉर्ट्स रिचेस के कोर्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो वो आप नीचे चेक कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करो, जाओ चेक करो। वहाँ पर भी 1 घंटे की आपको, सॉरी 1 घंटे की बोल रहा हूँ, 40 मिनट्स की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी, जाके देख लेना। नीचे आपको लिंक दे दिया हूँ, ठीक है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना कैसे वीडियोज़ बनाते हैं, ऑल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो आप यहाँ पर कुछ वीडियोस या कंटेंट डालते हो और वो सडन वायरल हो जाता है, और जो होता भी है, आप देखते होगे हमेशा रील्स पे नया नया ट्रेंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ वीडियो सडन वायरल हो जाती हैं। YT शॉर्ट्स पे भी आप होगे तो आपको पता होगा कि कभी भी वहाँ कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। अगर मेरा कोई स्टूडेंट देख रहा है YT शॉर्ट्स रीचेस का, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड टेल द पीपल कि ऐसा होता है कि आपकी वीडियोज़ कभी वायरल हो जाती हैं सडन एंड वहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। ये होते रहता है, राइट, एम आई राइट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, और लाइक कर दो अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है। एस्टिमेट निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप रील्स पे कैसे सेल कर सकते हो, फिर उसके बाद YT शॉर्ट्स है, फिर उसके बाद फेसबुक ग्रुप में, राइट, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, डोंट वरी। तो अब भाई एस्टिमेट निकालते हैं। अगर आपकी कोई भी रील या शॉर्ट्स की वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक है, हम लोग पूरा एस्टिमेट निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मान लो आपका ये एक रील है या एक शॉर्ट है, या बस बोल दो एक शॉर्ट वीडियो है 15 सेकंड की, जिसको आपने रील्स पे भी डाल दिया है भाई और शॉर्ट्स पे भी डाल दिया है, दोनों लिख देता हूँ, रील्स और शॉर्ट्स, ठीक है, दोनों पे डाल दिया है। एक वीडियो है आपकी 15 सेकंड्स की, ले लेता हूँ, ठीक है, 15 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड की ले लेता हूँ, और ये क्या होती है भाई, ये वायरल हो जाती है, ठीक है। इसको वायरल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने आज से स्टार्ट किया 3 कंटेंट डालना रील्स पे और शॉर्ट्स पे, ठीक है, आपको सारे फ्रेमवर्क्स पता है, कैसे दोनों काम करते हैं पता है, कैसे शॉर्ट वीडियोस काम करती हैं, कैसे सारी चीज़ें होती है ऑलरेडी आपको पता है, मान लो, ठीक है, और आपने आज से काम करना स्टार्ट किया है। अब आपने आज 3 कंटेंट डाला, कल 3 कंटेंट डाला, परसों 3 कंटेंट डाला, ऐसे करके आपने 10 दिन तक 3-3 कंटेंट डाला, आपका जो प्रोफाइल है उस पर 30 कंटेंट हो गए 10 दिन में, बट एक भी वायरल नहीं हुए, और स्टिल यू आर गेटिंग लाइक 10 और 20 और 100 व्यूज, राइट, स्टिल यू आर गेटिंग 10, 20 एंड 100 व्यूज, एंड आपका थोड़ा मोड़ा प्रोफाइल चल रहा है, ठीक है, दोनों का, शॉर्ट्स का या रील्स का, दोनों का चल रहा है, एंड आप 11वें दिन बोलते हो अब मैं नहीं करूँगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियोज़ वायरल होंगी, ठीक है। तो जब आप इस सिचुएशन में हो ना, तो याद रखना एक दिन में लोग सुपरस्टार बने हैं शॉर्ट्स वीडियो के साथ, एक दिन में, ठीक है। अब याद करो वो गरीब हूँ वो लड़का, ठीक है, चाहे और भी जो ट्रेंड्स आए जिसमें लोग वायरल हुए, कच्चा बादाम, एक बंदा जो रोड में था मूंगफली बेचता था कच्चा बादाम, रिसेंट जो वायरल हुआ और अभी वो सुपरस्टार हो गया, राइट। इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रातों रात वायरल हुई हैं और वो सब शॉर्ट्स वीडियो से हुआ है, ठीक है। तो ये कभी मत भूलना और इस माइंडसेट को छोड़ना मत कि अभी आप काम कर रहे हो तो आप वायरल नहीं होगे। आप 11वें दिन भी डालो, 12वें दिन भी डालो, एटलीस्ट 30 डेज तो आप रुको ही मत। 30 डेज में सेल नहीं आएगी तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा जिससे आपको पता चलेगा कि भाई मैं ग्रो हो रहा हूँ, तो सेल भी आ ही जाएगी, राइट। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है। बट एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो तरीका है काम करने का वो सही होना चाहिए, राइट। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस घुस जाते हैं चीज़ों में, करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी, और बोलते हैं मैं लगा हुआ हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, मैं 45 दिन से लगा हुआ हूँ, तो वो गधे और बैल वाला काम हो जाता है, जैसे कोल्हू का बैल बस गोल गोल घूमते रहता है, राइट, और गधा भी बस उसको जो बोल दो बस ऐसे कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी करता रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है भैया, आप गधे नहीं हो, आप बैल नहीं हो, आप एक मनुष्य हो। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि भाई आप सही कर रहे हो या नहीं,
ठीक है, आप प्रॉपर हैशटैग डाल रहे हो, प्रॉपर वीडियोस बना रहे हो या नहीं, प्रॉपर हेडलाइंस लिख रहे हो या नहीं, राइट, या प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी है या नहीं, आपके फनल्स रेडी हैं या नहीं, आपका फ्रेमवर्क आपने किया है कि नहीं भाई पहले, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू कुछ भी नहीं सीखना है सही से, ये चीज़ ध्यान में रखना, अदरवाइज यू विल लूज योर पेशेंस, योर माइंड सेट, एवरीथिंग, क्योंकि कुछ भी करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको सही काम करना है, ठीक है, फिर उसके बाद लगे रहना है, जब आपको पता है भाई आप सही काम कर रहे हो तब लगे रहो, क्योंकि आपको रिजल्ट आएगा, समझ गए। तो अब भाई आपने ले लिया भाई 15 सेकेंड का रील डाल दिया, इस पर डाल दिया, इस पर डाल दिया, अब मान लो आपका भाई 2-4 दिन में या 1 महीने बाद ही एक वीडियो वायरल हो गया, ठीक है, वो चाहे शॉर्ट पे हो चाहे रील पे हो, बस एक वीडियो वायरल हो गया समझ जाओ, ठीक है। अब इस वीडियो पे आपको भाई अचानक, हम बहुत ज़्यादा बड़ा एक व्यूअर काउंट नहीं लेते हैं, ठीक है, व्यूअर काउंट नहीं लेते, हम बस लेते हैं 10K, आपका 10,000 चले गया एक वीडियो का व्यू, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, 10,000 चले गया, ठीक है, और इन 10,000 में से सिर्फ 100 लोगों ने, कितने 100 लोगों ने, चलो 100 भी छोड़ो यार, सिर्फ 50 लोगों ने आपके प्रोडक्ट पे गए, वो 50 लोग, ये 50 लोग कहाँ गए, आपके प्रोडक्ट पे, जो आपने भाई शॉर्ट्स में दिया था या रील्स में दिया था, उस प्रोडक्ट पे वो लोग गए आपके कॉल टू एक्शन को समझ के, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है, लिंक कहाँ डालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताया हूँ YT शॉर्ट्स रिचेस के, ठीक है, तो YT शॉर्ट्स रिचेस का कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ये 50 लोग में से सिर्फ 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 बोलूँगा 5 लोगों ने आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, 5 लोगों ने, कितने लोगों ने, 5 लोगों ने, और इनमें से सिर्फ 2 लोगों ने, सिर्फ 2 लोगों ने यार आपके प्रोडक्ट को बाय कर लिया, कितने आपके प्रोडक्ट को क्या कर लिया, बाय कर लिया। आपका अगर 1,000 रुपये का भी प्रोडक्ट है मान के चलो, ठीक है, 1,000 रुपये का भी प्रोडक्ट है, तो आपकी 2,000 की सेल आ गई, कितने की, 2,000 की सेल आ गई आपकी, मतलब आपने भाई एक वीडियो से, एक छोटी सी वीडियो से, 15 सेकंड की वीडियो से 2,000 रुपये जनरेट किए, और अभी भी आपके पास 50 ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट में गए हैं, जिनको आपके प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अभी 48 लोग और आपके पास बचे हुए हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे आज या कल। क्योंकि होता ये है, मैं आपको बता दूँ कि ये जो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया ना, जो आपके प्रोफाइल पर आए, चाहे वो रील्स हो चाहे वो शॉर्ट्स हो, जो लोग आपके प्रोफाइल पे आए और आपके प्रोडक्ट्स को क्लिक किया, तो इनके जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, इनके पीछे एल्गोरिथम्स काम करते हैं, तो वो एल्गोरिथम्स को लगता ये है कि ये जो लोग हैं भाई, ये 50 लोग, ये लोग इनके कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, कॉन्टेंट में इंटरेस्ट रखते हैं ये 50 लोग। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो डालोगे ना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है उससे रिलेटेड अपने रील्स पे या शॉर्ट्स पे, तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली इन 50 लोगों तक बार बार पहुंचेगा। मतलब कि फॉलो अप और रीटारगेटिंग का काम भी एल्गोरिथम आपको करके देंगे, अगर आप सही से काम कर रहे हो ऑर्गेनिक मार्केट में ऑन रील्स एंड शॉर्ट्स, समझ रहे हो, फ्री में भाई आपको फॉलो अप और रीटारगेटिंग करके देंगे, आपकी वीडियोस को इन 50 लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जब आप बार बार, मार्केटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है कि एक बंदा अगर एक ही चीज़ को, एक ही एड को 20 बार देखता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट और जो ट्रस्ट रेट होता है वो काफ़ी फास्टली इंक्रीज कर जाता है उसके प्रति, ठीक है। जब आप बार बार कंटेंट डालोगे और इनके एल्गोरिथम्स आपकी हेल्प करेंगे इन 50 लोगों तक पहुंचने के लिए, तो ये लोग भी आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे। मान लो बाद में आपने इन 50 में से 25 लोगों को धीरे धीरे करके सेल कर दिया, तो एक वीडियो आपके लिए 50,000 का रेवेन्यू जनरेट की, कितने का, 50,000 का। ऐसी आपकी और वीडियोज बढ़ते जाएंगी, कोई वीडियोज वायरल होंगी, तो आप देखोगे आप धीरे धीरे 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख और ऐसे करके आप 10-10, 15-15 लाख रुपए साल के या महीने के बनाने लगोगे। महीने में के बनाने में टाइम लगेगा, बट साल का बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब लाख रुपए आप महीना इजी बनाने लगोगे विद ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोल रहा हूँ। और ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ गाइज, ये लोग कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तब मैं बोल पा रहा हूँ, ये ऑन वर्किंग है, ऑन गो है, और आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ही चीज़ें काम करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई रील्स पे आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है।
डोंट वरी, आज मैं आपको सिखाता हूँ रील्स पे आप कैसे काम कर सकते हो, एंड आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई होप। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो कोई भी, अगर आपके डाउट्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। यहाँ इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। मेरा जो पुराना आईडी था उसे मैंने लॉस्ट कर दिया है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, जिसमें 6000 तक मेंबर थे, ऑलमोस्ट 7000 तक मेंबर थे, बट मैंने यहाँ 6000 लिख कर रखा है। एंड ये मेरी न्यू आईडी है द तौहीद अहमद, तो यह आके फॉलो कर लो। यहाँ पर भी आपको अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं अबाउट ऑनलाइन बिजनेस एंड एफिलिएट मार्केटिंग, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि कैसे रील्स काम करती है फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो अब हम लोग रील्स के बारे में बात करेंगे, ओके। सो यहां पर सबसे पहले हम चलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड यहां पर हम कुछ चीजें सर्च करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले हमारा पेज है ये वाला 777empire.in, जो हमारा मेन ब्रांड है हम लोगों का, राइट। हमारा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट एंड ऑल, हम लोग सब एक कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये हमारा जो मेन ब्रांड है 777empire.in, यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो लोग अपना फेस शो नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं अपना फेस शो नहीं कर सकता, या मैं दूसरे के कंटेंट को डाल के भी अर्निंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोनों के लिए ग्रीन फ्लैग है, मतलब कि यस, दोनों ही काम आप कर सकते हो। आप अपना फेस बिना दिखाए खुद के कॉन्टेंट बना के भी काम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या आप दूसरों का कंटेंट यूज़ करके भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले दूसरों का कंटेंट यूज़ करके आप कैसे काम करते हो वो दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ हम चलते हैं, सॉरी, अपने पेज पे मैं चलता हूँ पहले, तौहीद अहमद के पेज में। तो मैंने आज ही सुबह एक स्टोरी डाली थी, ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वेयर इज़ इट, ख़त्म हुई क्या कल रात की? सॉरी, मैंने आज ही डाली थी बट वो मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा है। आई थिंक वो मुझे शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उसको दूसरे के पेज से शेयर किया था, राइट। सो तो एक मिनट मैं अभी ढूंढ लेता हूँ वो पेज का नाम क्या था और मैं आपको शो करता हूँ कि वो कैसे, एक एग्जांपल है आपके लिए कि आप भी बिना फेस दिखाए काम कर सकते हो, विच इज़ सो ईजी। सो वी विल सर्च नाउ जस्ट इन मिनट्स, राइट। तो दोस्तों, जो मैं पेज ढूंढ रहा था वो मोटिवेशन टाइम नहीं, वो मोटिवेशन लाइन नहीं, मोटिवेशन टाइम है, ठीक है, ये पेज है वो, और मैं ढूंढ रहा था मोटिवेशन लाइन में, सॉरी, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। बट ये भी एफिलेट कर रहे हैं और ये भी एफिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनका एक शॉट है और ये शॉट का व्यू जो है वो ऑलमोस्ट 5,19,000 है। ये वीडियो के नीचे, ये रील के नीचे इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, राइट। और इस पे व्यू जो है वो 5,19,000 के आसपास हैं और कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कमेंट हैं। तो इसमें से अगर इसको भाई 100 लोग भी डेली के क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो ये कितना पैसा बना रहा है, ठीक है, सिर्फ रील से दोस्तों। और हर रील पर आप देखोगे 50,000 ऑन एवरेज व्यू है इसके हर रील का, लेके चलोगे, ठीक है, ऑन एवरेज। और इसका नाम है मोटिवेशन टाइम, और ये भी क्या कर रहा है, सिर्फ मोटिवेशन और बिजनेस के पोस्ट डाल रहा है ओनली, ओके। और आप देखोगे 3,00,000 इसके भी फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं और 3.1 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, ओके। एंड बोथ आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट फॉर अदर्स, मतलब कि अगर आप किसी एक चीज़ से काम करना स्टार्ट करते हो तो बाद में उसको जाके लेवरेज कर सकते हो और भी पैसे आप जनरेट कर सकते हो उस चीज़ से आगे बढ़ के, बट अभी आपको सिर्फ फोकस करना है एफिलिएट मार्केटिंग में। अब ये लोग कर क्या रहे हैं भाई, यहाँ पर तो इस बंदे ने अपने वीडियो के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बट यहाँ पर इस बंदे ने नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला मिथ और आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं ख़त्म करूं कि भाई आप बिना फेस दिखाए भी अर्निंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इधर उधर से वीडियोस उठाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और अपने रील्स पे और अपने शॉर्ट्स पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो थोड़ी मोटिवेशनल होनी चाहिए और बिजनेस वाली होनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन और बिजनेस ये दोनों ही मिलाकर एफिलिएट आप करोगे
ऑन रील्स एंड शॉर्ट्स। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपना फेस शो करके नहीं करना है, या आपको सिर्फ नीश वाले प्रोडक्ट्स में काम करना है तो वहां आपको फेस दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना फेस दिखाए आप काफी अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो पर मंथ, और लोग कर भी रहे और लाखों कमा रहे हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप इसके इसी पे जाओगे, ये जो लिंक इसने बायो में लगा के रखी है, यहाँ पर जो बंदा है वो तो अपना डायरेक्ट सबको दे दे रहा है भाई कि ये मेरा नंबर है, इसके आप कांटेक्ट कीजिए। अगर लोग रोज के 100 लोग भी उससे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ही इज मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ मनी डेली, राइट। और अगर नहीं भी कर रहे, लाइक 10 लोग भी कर रहे हैं, तब भी वो लाखों ही रुपए कमा रहा है भाई, क्योंकि आप देख सकते हो व्यूज़ किस हाई पे हैं, राइट। कितने व्यूज़ आ रहे हैं आप देख सकते हो। अब उसके बाद ये जो मैंने क्लिक किया था, तो इसने भाई यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट डाल के रखा है। क्या डाल के रखा है? ब्लॉग पोस्ट, मतलब कि भाई ये एडसन से भी कमा रहा है और एफिलेट से भी कमा रहा है, दोनों ही तरीके से कमा रहा है। इसने एक पूरा रिव्यू लिख कर रखा है और प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है। ठीक है, आई थिंक इसका एडसन ऑन नहीं है, बट ये प्रोडक्ट इसने यहाँ डाल के रखा है, तो लोग यहाँ पर ऑर्डर देंगे एंड ही विल अर्न मनी। देख सकते हो इसका प्राइस है 1300 मान के चलो, 1299 रुपये है, 1300 मान के चलो। अब मान लो ये भाई डेली के, मान लो सिर्फ भाई सिर्फ मैं बोलता हूँ डेली के 50 सेल करता है, ठीक है, 3.1 मिलियन लोग हैं इसके पेज में, ठीक है। बट इसका जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है वो बहुत गलत है, ठीक है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लो ये भाई 1300 है, ठीक है, और दिन के ये सिर्फ 10 सेल कर रहा है, वैसे 50 सेल कर रहा होगा ये दिन के अगर, बट इसलिए मैं अब 10 सेल बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्रोडक्ट प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। ये प्रोडक्ट बेच रहा है हेयर की, ठीक है, और इसके पास जो लोग हैं वो मोटिवेशन और बिजनेस वाले हैं 101%, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट थोड़ा सा गलत है, बट भाई आजकल बाल का प्रॉब्लम सबको है, तो हम लोग 10 तो लेके चल ही सकते हैं पर डे। 10 की ये सेल आ रहा है और 1300 का एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब कि भाई ये दिन के कमा रहा है टोटल 13,000, ठीक है। ये ऊपर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है भाई ये दिन के 50 प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूँ सेल कर रहा हो क्योंकि इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 3.1 मिलियन ट्रैफिक है और डेली इसके पेज पे हज़ारों लोगों का विजिट है, बिकॉज इसका एक एक जो रील है उसमें व्यू जो है वो 100K के पार है, ठीक है, एक एक व्यू के, एक एक रील्स के, आप देख सकते हो हर रील 100K के पार ही है ऑलमोस्ट, राइट। तो विजिट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है भाई ये डेली के 100 प्रोडक्ट भी सेल कर रहा होगा, बट प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो मैंने कहा, देखो ये बेच रहा है एक हेयर केयर ऑयल, ठीक है, हेयर केयर ऑयल बेच रहा है, और ये जो बिजनेस रिलेटेड और मोटिवेशन रिलेटेड पेज है, मतलब कि यहाँ पर भाई ऑनलाइन काम करने वाले एंटरप्रेन्योर नेटवर्क मार्केटर उनका विजिट है। तो अगर ये कोई मेक मनी ऑनलाइन का प्रोडक्ट सेल करता है या कोई कोर्स सेल करता है तो काफ़ी ज़्यादा इसको बेनिफिट होगा। खैर जाने देते हैं, बट आपको अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रखना है, तभी आपको अच्छी खासी सेल मिलेगी। आप जो प्रोडक्ट रखोगे उससे रिलेटेड ही आपको कंटेंट यहाँ पर बनाना है ताकि आपको बेनिफिट अच्छा हो, ओके। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप समझ गए कि लोग यहाँ पर कॉन्टेंट बना रहे हैं एंड लोगों को ड्राइव कर रहे हैं अपने यहाँ पर बायो में, ठीक है, ये होता है बायो होता है, यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो, ओके। और यहाँ पर क्या कर रहा है बंदा, अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए लोगों को बुला रहा है। भाई कहाँ बुला रहा है? अपने व्हाट्सएप पे बुला रहा है, और प्लस यहाँ पर इसने एक लिंक भी लगा के रखी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये इस लिंक पर क्या कर रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर जाते हैं भाई, हमने लिंक पर क्लिक किया है, तो भाई ये बंदा है एफिलेट मार्केटर, प्योर एफिलेट मार्केटर, ये यहाँ पर सेलिंग कर रहा है भाई, ठीक है, मिस्टर सोनू शर्मा के टीम में है, और ये सॉरी मैं एफिलेट मार्केटर बोल रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटर है, ठीक है। सो ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, आप मान के चलो 3 लाख इसके फॉलोअर्स हैं, इसने काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी भी किया है, स्ट्रेटजी भी बना के रखा है, ये लोगों को अपने व्हाट्सएप पे भी बुला रहा है और यहाँ पर लिंक भी लगा के रखा है। सो ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म आई थिंक आएगा, राइट, फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालोगे एंड सारी चीज़ें डालोगे और सबमिट करोगे तो ये लोग आपको कॉल करके कांटेक्ट करेंगे। ये नेटवर्क मार्केटर ज़्यादातर यही फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये लोग भी थोड़ा थोड़ा डिजिटल के बारे में जानते जा रहे हैं, तो ये लोग इस सब चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं,
गाइस देखो, ये डिजिटल जो गेम है एफिलिएट मार्केटर्स का है, बट अब नेटवर्क मार्केटर्स भी आपके गेम में आ रहे हैं, तो बी वाइज, राइट? इनसे ऊपर रहना है आपको हमेशा, बिकॉज यू नो कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। दे आर जस्ट लर्निंग बट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आप इस फील्ड में हो, राइट? तो अपने आप को ऊपर रखना भाई, देख लो कितने फास्ट हो गए ये लोग भी। तो ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट इसके पास ट्रैफिक ज़्यादा है, बट इसके पास नॉलेज कम है। तो ये प्रॉब्लम होती है लोगों को कि भाई नॉलेज नहीं रहता बिल्कुल। ट्रैफिक आप देख ही सकते हो, भर भर के ट्रैफिक, लड़के के पास दो दो ढाई ढाई लाख व्यूज़ आ रहे हैं एक एक वीडियो पे, 100 के क्रॉस है। अगर ये चाहता तो इससे ज़्यादा पैसे बना सकता था, बट डोंट नो वट ही इज़ डूइंग, राइट? हो सकता है ये लोगों को शॉर्ट आउट दे के भी पैसे कमा रहा हो, और हो सकता है इसके अलग और भी बिजनेसेस हों। छोड़ देते हैं इसको इसके हाल पे, बट मैं आपको जो समझा रहा था वो समझाऊं कि आपको रील्स पे कैसे काम करना है। तो आपने देखा, बिना फेस दिखाए भी काम हो सकता है अगर आप काम करना स्टार्ट करो तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थीम पेजेस की, ठीक है, थीम पेजेस क्या होते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वैसा करके भी आप काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है TripleSunEmpire.in का, जो हमारा ऑफिशियल पेज है, तो इस ऑफिशियल पेज मतलब एक ब्रांड है अपना, तो इस पेज पे हम लोग थीम पे काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट अभी तक। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हो सब एक ही तरह के हैं, ठीक है, एक ही तरह के सब में थंबनेल लगे हैं, तो इनको थीम पेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपका खुद का पोस्ट बनाना पड़ता है, और ये पोस्ट आप बना सकते हो canva.com से। canva.com पर एडिट कर करके यहाँ पर आप अपने वीडियोज़ लगा सकते हो। वीडियोज़ कैसी हैं, कैसे बनती हैं और कैसे बनाई गई हैं, ये सब चेक करने के लिए आप TripleSunEmpire.in का पेज इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो। तो इनको बोलते हैं भाई थीम पेजेस, और इससे पहले जो मैंने दिखाया उनको बोलते हैं भाई बिना फेस वाले पेजेस। बिना फेस दिखाए आप अर्निंग कर सकते हो। दो तरह के पेजेस हैं जिनमें आप अर्निंग कर सकते हो अगर आप अपना फेस शो नहीं कर सकते, ठीक है, थीम पेजेस में। और दूसरे पेजेस जिसमें आप दूसरे का कंटेंट डालते हो, अदर्स कंटेंट, ठीक है, और उसमें भी आपको फेस नहीं दिखाना है, विदाउट फेस, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ पेजेस, विदाउट फेस। तो ये हो गए भाई टू टाइप ऑफ पेजेस। तीसरा पेज जो है भाई वो आप क्या कर सकते हो, आप खुद का बना सकते हो, राइट? खुद का आप क्या कर सकते हो, आप खुद का कंटेंट बनाओ लाइक दिस। वो भी दिखा देते हैं हम आपको भाई, तो मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैं खुद के फेसेस से बना रहा हूँ पूरी सारी चीज़ें, वीडियोस बना रहा हूँ, रील्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे खुद के फेस शो करके बना सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक पर्सनल ब्रांड बनता है, और आप आगे जाके और भी, जब आप ऑथेंटिक हो जाओ और आपको स्किल्स आ जाएँ, आप सेल करना सीख जाओ, तो आप वही चीज़ें दूसरों को भी सिखा सकते हो, ठीक है। आपने जो मेहनत करी उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने कोर्सेज के थ्रू, अपने कंसल्टिंग, अपने और भी अलग अलग सर्विस आप लॉन्च कर सकते हो। तो एक पर्सनल ब्रांड भी बनता है, तो आप चाहो तो अपने पर्सनल फेस दिखा के भी एक पेज बना सकते हो, पर्सनल पेजेस, ठीक है, ये बना। तो तीन तरह के पेजेस आप बना सकते हो जिसमें आप रील्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो तीनों में स्ट्रेटजी सेम ही होती है, ठीक है, बट कंटेंट और नीश का डिफरेंस होता है, ओके। तो स्ट्रेटजी क्या होती है कि भाई आपने एक रील बनाई, ओके, आपने एक रील बनाई, अब ये रील आपको अच्छे से अच्छा बनाना है, और इसमें एक गेम होता है जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन का गेम, ठीक है। कॉल टू एक्शन भी कैसे देना है ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, आपने मान लो कॉल टू एक्शन दिया, चेक माई प्रोफाइल, क्या आपने बोला भाई, चेक माई प्रोफाइल। तो अब ये जो रील है, ठीक है, तो ये रील में जो लोग आपका रील देख रहे हैं, मान लो 1,000 लोगों ने आपका रील देखा, और इनमें से लाइक 5-10 बहुत इंटरेस्टेड हुए, वो आपका प्रोफाइल को चेक किए, ठीक है, आपके प्रोफाइल पे गया, भाई ये आपका प्रोफाइल है, इस पर 5 लोगों ने विजिट किया, ठीक, तो उनको ये चीज़ पढ़ने मिलेगी। तो यहाँ पर बायो जो होता है वो आपको बहुत सॉलिड लिखना रहता है, बहुत अच्छे से लिखना रहता है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या करते हो, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपने रील से लोगों को ड्राइव किया है, कहाँ पर, आपके प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई हेल्प यू टू मेक मनी ऑनलाइन, और नीचे एक एरो का हाथ दिखा के निशान दिया, तो लोग क्या समझेंगे, इस पर भाई क्लिक करें, लोग इस पर क्लिक करेंगे और लोग इस पे जाएंगे, जो मेरे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। तो जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे थीम पेजेस से लाइक दिस, आप ऐसा मान लो एफिलिएट मार्केटिंग करो, देखो जैसे इसने यहाँ पर फॉर्म लगा के रखा है स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, लोग इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर अपना एक एफिलिएट लिंक डाल देना है, क्या करना है, एफिलिएट लिंक डाल देना है, और उसके बाद आपको जितने कॉन्टेंट चाहो आप बनाओ और लोगों को अपने प्रोफाइल पर ड्राइव करो, ठीक है।
अब मान लो आप मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है, मेरा खुद का YT शॉर्ट्स रीचेस का, उसका एफिलिएट कर रहे हो, ठीक है। उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो अगर आप मेरे एफिलिएट YouTube शॉर्ट्स रीचेस के कोर्स में हो तो, ठीक है, वो आप नीचे चेक कर लेना, ओके। तो भाई अब आप भाई मान लो आपने यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक लगा के रखा है, ये लिंक जो है ये आपने लगा के रखा है YT शॉर्ट्स रीचेस का एज एन एफिलिएट, और आप एक और काम कर रहे हो, वो काम ये कर रहे हो कि आप हर कंटेंट के नीचे, हर कंटेंट के नीचे क्या कर रहे हो, अपना नंबर दे रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, अपना नंबर दे रहे हो कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, जैसे कि इसने दे के रखा है व्हाट्सअप टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, तो आप भी ऐसे कर सकते हो व्हाट्सअप टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। और ये पहले लाइन में ही आपको लिखना है, क्योंकि जब लोग कॉन्टेंट स्क्रॉल करते हैं तो ये पहला लाइन उनको दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हर वीडियो में अपने नीचे डाल सकते हो अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, कोई कोर्स, ठीक है, कोर्स की बात कर रहा हूँ, जब कोई कोर्स सेल कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। जब लोग आपके नंबर के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे, मान लो ये व्हाट्सएप है और लोग आ रहे हैं रील से और यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो एक ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है, लोग आपको पहचानते हैं, समझते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को एक पर्सनल टच माना जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पर नंबर एक्सचेंज होता है, ठीक है। और इंडिया में जब व्हाट्सएप लोग एक्सचेंज करते हैं तो पीपल थिंक कि भाई ये जेन्युइन बंदा है, क्योंकि ये अपना नंबर दे रहा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आप इससे बात कर रहे हो, आप इसको कॉल कर सकते हो, वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हो, अलग अलग पिक्स सेंड कर सकते हो, तो वहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल का ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो आप भाई क्या कर रहे हो, अपने रील्स के थ्रू अपने लोगों को यहाँ पर ला रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे, एंड देन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। इसके बाद स्ट्रेटजी काम आती है, फ्रेमवर्क काम आता है, ठीक है, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नहीं सीखोगे तो सेल नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद आप इसको फ्रेमवर्क और स्ट्रेटजी के तहत आप इसको सिखाते हो, सॉरी आप इसको बताते हो कि भाई कैसे ये प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, क्यों आपको लेना चाहिए, क्यों आपके लिए बेस्ट है, ऑल द थिंग्स आप इसको अपने स्ट्रेटजी एंड फ्रेमवर्क के तहत बताते हो, एंड आप इसको फॉलो अप देते हो विथ ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ठीक। और ऐसे करके आपको डेली के 6 से 6,000 और 16,000 तक और उससे भी ज़्यादा धीरे 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 बढ़ते जाती है आपकी सेल, क्योंकि लोग आपके व्हाट्सएप में आके कलेक्ट होते जा रहे हैं, कलेक्ट होते जा रहे हैं, कलेक्ट होते जा रहे हैं, समझे। तो ये सेल बढ़ते जाती है। और शॉर्ट्स में कैसे होता है उसमें हम लोग जाएंगे, पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर माना जाता है कि अगर 10 लोग, मतलब एक रेशियो निकाला गया है, आपकी रील से आपके व्हाट्सएप पे आते हैं और आप व्हाट्सएप स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो, ठीक है, तो 10 में से ऑलमोस्ट 3 से 4 लोग कन्वर्ट होते हैं। मतलब अगर आपके व्हाट्सएप पे आपका रील वर्क करना स्टार्ट कर दिया अच्छे से, जैसे इन लोगों का कर रहा है, ठीक है, 17K 10-10 हज़ार, मान लो 20-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, और किसी किसी के रील्स पे तो आपको मैंने दिखाया कि 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लोग आपके व्हाट्सएप पे ड्राइव होना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर मान लो डेली के 100-200, तो आप भाई कितना पैसा कमा रहे हो, सोचो। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि लोगों को आपको हासिल करना अपने पेज पे थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये नामुमकिन नहीं है, कभी भी रील्स वायरल हो जाती हैं। बस मैंने जैसे आपको कहा कि आपको सही काम आना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको सही से गाइड करे। तो अगर आप 100-200 लोग डेली अपने व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हो, मतलब आपकी सेल जो है वो डेली 30 तक जा सकती है, 30-40 सेल डेली जा सकती है। और अगर आप एक सेल से 500 रुपये भी बना रहे हो यार, तो आप कितना रुपए डेली का बना रहे हो, आप 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे बना रहे हो, 15 से 20 हज़ार रुपये। और ये इस बीच में सिर्फ आपको करना क्या है मालूम, आपको सही चीज़ सीखनी है, इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको सही चीज़ सीखनी है और कुछ नहीं। आपका सेल्स प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क अच्छे होने चाहिए, जस्ट एंड नथिंग। और आपको थोड़ा मेहनत करने आना चाहिए भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना दोस्त मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो पाओगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बस आपको आनी चाहिए। तो ये बहुत ईजी है, ऐसे ही काम होता है। अगर आप सीखना चाहते हो भाई इससे आगे कि आप कैसे शॉर्ट्स पे डीपली सीखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन मैं रील्स का भी आपको बताते रहता हूँ अपने YT शॉर्ट्स रिचेस के कोर्स में, तो मैं आपको एक
फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ वाईटी शॉर्ट्स रिचेस पे, वाईटी शॉर्ट्स की, कि वाईटी शॉर्ट्स पे आप एफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हो, इसके आगे आप और सीखना चाहते हो ठीक है, डिटेल में और ज़्यादा डीप जाके, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया, और डीप सीखना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जाओ क्लिक करो और अभी के अभी चेक करो अगर सीखना चाहते हो। और जो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अभी के अभी आप इस पे एक्शन लो अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप देख रहे हो ये पेजेस काफ़ी पैसे कमा रहे हैं काफ़ी, और ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, इफ़ दे नो हाउ टू डू द राइट थिंग। बार बार बोल रहा हूँ, सही चीज़ आपको करनी आनी चाहिए, आप बैल नहीं हो, गधे नहीं हो कि बस कुछ भी बोल दे और कर कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, आपको सही चीज़ आनी चाहिए, समझ रहे हो। जब सही पाथ पे रहोगे तब आपको एक ही काम करते रहना है, बट अगर गलत हो आपको पता ही नहीं है कैसे, और आप एक ही काम रटे पड़े हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आपको कभी रिजल्ट्स नहीं आने वाले। ये चीज़ आप अपने ध्यान में आज रख कर जाओ, और आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, आप अपने जॉब से प्यार करो, अपने कर्तव्य से प्यार करो। कर्तव्य आई थिंक राइट वर्ड, मे बी राइट वर्ड, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में सही कर देना ठीक है। तो अपने कर्तव्य से प्यार करो, एफिलिएट नेटवर्क से प्यार मत करो, राइट। तो अगर आपको आगे का सीखना है गाइस, तो मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, एंड वहां पर भी आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा। तो गाइस अगर आप और सीखना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, क्लिक करो। बेस्ट ऑफर चल रहा है, 2.5 लाख के बोनसेस चल रहे हैं, वो सारी चीजें आप नीचे चेक कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दो, और लाइक किए बिना जाना मत, बहुत एफर्ट लगता है ये वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज डू इट नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू अगेन, बाय बाय, जय हिंद।